गुड मॉर्निंग स्टुडंट माय सेल्फ एम फ्रॉम नगर बीएमसी इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल ओके स्टुडंट सो आज आपला विषय मराठी आहे आणि आज आपण उपयोजित लेखन रायटिंग स्किल हा जो आपला मराठी विषयातला महत्वाचा भाग आहे त्यामध्ये पत्र लेखन हा आपला टॉपिक आहे आजचा पत्रलेखन आज आपण शिकणार आहोत तर पत्रलेखन हा कोणता विभाग पाच उपयोजित लेखन या पाठमध्ये येतो तर प्रश्न पाचवा पुढीलपैकी कोणतीही एक कृती सोडवा गुण सहा हा प्रश्न तुम्हाला सहा मार्काला येतो आणि तुम्हाला पत्रलेखन किंवा सारांश लेखन हे दोन ऑप्शन असतात तुम्हाला पत्रलेखन म्हणजे लेटर रायटिंग नाही तर सारांश लेखन म्हणजे समरी रायटिंग दोघांपैकी कोणतीही एक कृती तुम्हाला सोडवायची आहे ओके okay, स्टुडंट तर आज आपण पत्रलेखन हा आ, हा टॉपिक आपण पाहणार आहोत की पत्र कसे लिहायचे पत्राचे किती प्रकार आहेत पत्रलेखन अगदी इझी असतं खूप सोप्या पद्धतीने आपण लि, लिहू लिहू शकतो जर तुम्हाला एकदा का फॉर्मॅट समजला की पत्रलेखनाचा नमुना काय आहे तो समजला तर तुम्ही व्यवस्थित पत्र लिहू शकतात ओके okay? तर आज आपण पत्रलेखन पाहणार आहोत पहिले आपण सुरुवातीला बघूया पत्रलेखन म्हणजे काय तर पत्रलेखन ही कला आहे पत्रलेखन सिर्फ पत्र लेखन, लेखन करणार लेटर लिखना स्किल की जितने अच्छे से लोग लिख लो सकते उतने अच्छे से जो रिडिंग से मतलब उसको भी इंटरेस्ट आना चाहिए रीड करने के लिए ओके आपल्या मनातले भाव किंवा विचार दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे तसेच आपल्या भावना किंवा विचारांचे चांगल्या भाषेत संक्रमण करण्याचे पत्र हे एक उत्तम लिखित साधन आहे तुम्ही मागील वर्षी ही पत्रलेखन या घटकाचा अभ्यास केलेला आहे ते पत्रलेखन तुम्ही पारंपरिक पद्धतीने करत होतात आता तुम्ही तंत्रज्ञान युगात वावरत आहात आणि संगणक भ्रमणध्वनी इंटरनेट मेल यांद्वारे तुमची तंत्रज्ञानाशी गट्टीही झाली आहे अभि आप देखो की पत्रलेखन पुराने जमाने में पत्र लिखे जाते थे अभी बहुत कम हो गया है पत्रलेखन लिखना पर हम लोग क्या करते हैं नाउ डेज वी आर यूजिंग इंटरनेट जीमेल जीमेल व्हाट्सअप ये सबसे हम एक दूसरे को जल्दी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है अभी देखो आगे फोन चाहिए वाढल्यानंतर पत्रलेखनाची गरज काहीशी कमी झालेली आहे असे असले तरी अनौपचारिक पत्रात आपल्या भावना शब्दात आ, शब्दात प्रभावीपणे व्यक्त करता येणे हे आवश्यक कौशल्य आहे अभी हम लोग का लेटर कायटिंग कम हो गया फिर भी जो अनौपचारिक अनौपचारिक मतलब फॉर्मल जो लेटर रहता है ऑफिशियल लेटर रहेगा तो वो भी आज भी हमें वो क्या लिखना जरुरी पडता आहे ठीक आहे तसेच औपचारिक पत्रांसाठी आपले म्हणे विचार मागणी पत्र मागणी तक्रार विनंती इत्यादी गोष्टी योग्य व कमीत कमी संबंधित आत्मसात व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे हे आवश्यक कौशल्य आहे ठीक आहे आज ही पत्रलेखन ही कला आत्मसात करणे आवश्यक आहे यापुढे तंत्रज्ञानाच्या लेखन पद्धतीने आपले लेखन कौशल्य प्रकट व्हायला हवे ठीक आहे तो अभी हम लोग जो लिखने वाले ईमेल लेटर पत्र पत्रलेखन ऐसे हम बोलेंगे ओके पत्र लेखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे आणि या पुढील काळात तुम्हाला मेल पाठवण्याचे तंत्र अवगत करावे लागणार आहे मेल सबको पता आहे जीमेल आय डी सबका रहता है जीमेल ते हम, आ, मेल करके हम एक दूसरे को क्या आ, लेटर लिख सकते हैं। ओके मेल पाठवण्याच्या पद्धतीनुसार लक्षात घेणार आहोत मतलब मेल कैसे करते है? उसी तरह हम अभि लेटर लिखना आ, स्टार्ट करेंगे या सिखने वाले ही ओके अभी देखो पहले हम देखेंगे पत्र लेखना पत्र लेखना प्रकार है फॉर्मल लेटर राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग जिसको हम मराठी में बोलेंगे फॉर्मल को हम बोलेंगे औपचारिक पत्र लेखन और इनफॉर्मल लेटर मतलब अनौपचारिक लेखन देखो फॉर्मल uh, लेटर तो सबको पता है फॉर्मल मतलब क्या जो ऑफिशियल लेटर रहता है जो स्कूल के प्रिंसिपल को टीचर को या ऑफिस में किसी मैनेजर को लिखना रहता है वो हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं उसको तो उसको मराठी में बोलेंगे औपचारिक और इनफॉर्मल तो सबको पता है अनौपचारिक पत्र लेखन मतलब हम जो फ्रेंड्स को मम्मी डैडी को भाई बहन को जो लिखते हैं उसको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन ओके तो आज हम दोनों प्रकार के पत्र देखने वाले हैं देखो पत्र के अनौपचारिक और औपचारिक जैसे अनौपचारिक यहाँ पे है इनफॉर्मल का पहले दिया है कौटुंबिक पत्र जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जिसको हम मम्मी डैडी या भाई बहन रिलेटिव्स फ्रेंड्स को हम ये पत्र लिखते हैं उसको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र और औपचारिक मतलब क्या तो मांगनी पत्र विनंती पत्र रिक्वेस्ट करना रहता है या आ, कोई डिमांड करना रहता है तो उसको हम औपचारिक ऑफिशियल लेटर बोलते है जो कार्यालय वो व्यवसायिक व्यवसायिक पत्र बोलते है उसको ओके okay, तो ऐसे हमारे पत्र लेखन के दो प्रकार है तो अभी हम औपचारिक पत्र लेखन मुझे का औपचारिक इस किसको बोलेंगे फॉर्मल लेटर को कैसे क्या बोलते देखो औपचारिक पत्र मतलब दैनंदिन जीवनात आपल्या काही अडचणी सोडवण्यासाठी किंवा काही सुविधा मिळण्यासाठी आपल्याला शासकीय कार्यालयात किंवा खाजगी कंपन्यांच्या कार्यालयात जावे लागते आपली कामे व्हावीत म्हणून या कार्यालयात आपल्याला पत्रे सादर करावी लागतात या पत्रांना औपचारिक पत्रे म्हणतात जैसे ऑफिस ऑफिस रहता है गवर्नमेंट ऑफिस रहता है सरकारी ऑफिस बोलते वहां पे हमें कुछ या रेशनिंग कार्ड का ऑफिस रहेगा तो वहां पे कुछ कुछ हमें कुठे रहती है, तो वो हम क्या कर सकते लेटर लिख के बोल सकते या या जैसे मैंने बताया कि स्कूल में में अगर हमें कुछ छुट्टी चाहिए या में चाहिए ऑफिस तो हम वो वैसे पत्र लिख सकते उसको औपचारिक पत्र बोलते हैं ठीक है ठीके? जो फॉर्मल लेटर है अभी औपचारिक पत्र में कैसे कौन कौन से लेटर आते हैं देखो निमंत्रण पत्र है आभार पत्र है अभिनंदन पत्र निमंत्रण मतलब किसी को इनविटेशन देना होगा तो पत्र लिख सकते हैं आभार लिखना है आभार बोलना है थैंक्स बोलना है तो आभार पत्र बोलते हैं उसको अभिनंदन पत्र कि वह गौरव पत्र किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना है तो या सत्कार करना है किसी का तो वो लिख सकते हैं चौकशी पत्र किसी की इंक्वायरी करनी है क्षमा पत्र किसी को क्षमा क्षमा मांगनी है या सॉरी कहना है या मागनी पत्र मतलब जैसे मैंने अभी डिमांड लेटर विनंती पत्र मतलब रिक्वेस्ट लेटर रिक्वेस्ट करना किसी के बारे में उसके बाद तकरार मतलब क्या तो कंप्लेंट करना ओके तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से मागनी पत्र अभिनंदन पत्र ज्यादा करके आते हैं विनंती पत्र आ सकते हैं तकरार पत्र आते हैं ओके तो ये सब किसमें आएगा औपचारिक पत्र लेखन में अभी औपचारिक पत्रलेखन क्या होता है तो प्रति ये वर्ड जो है है वो आपको याद रखना है। जैसे हम इंग्लिश में टू लिखते है स्टार्टिंग में तो वैसे मराठी में पे प्रति लिखना है ओके नंतर खालील ओळी जिला पत्र लिहायचे आहे पाठवायचे आहे त्या व्यक्तीचे संपूर्ण नाव आणि त्याचा खालील तिचा हुद्दा व संपूर्ण पत्ता ठीक है तो वो जो टू द प्रिंसिपल फिर वो जो हुद्दा मतलब क्या कि उसका क्या है प्रिंसिपल है या मैनेजर uh, है क्या जो भी है वो लिखना है और उसके बाद एड्रेस लिखना है विषय विषय मतलब subject, अभी सेकेंड पॉइंट है विषय अभी फॉर्मल लेटर में आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या करना है सब्जेक्ट आपको लिखना ही है सब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो फॉर्मल लेटर नहीं होगा ओके okay? तो विषय लिखना बहुत जरूरी है विषय ऐसा शब्द लिखू क्यापुढ़ मोजक्या शब्दात पत्राचा विषय लिहावा मोजक्या शब्दात विषय मतलब टॉपिक हम लोग सब्जेक्ट लिखने वाले हो वो एकदम कम शब्दों में एक ही लाइन में शॉर्ट लाइन में रहना चाहिए बड़ा नहीं रहना चाहिए पत्रा चेखन चे मुद्दे सूत करावे। पत्र लेखन करने के टाइम एकदम फॉर्मेट समझ के लो पहले फिर उसके बाद आप पत्र लेखन अच्छे से लिख सकते हो अभी मुद्दे सूत कैसे अभी मैं बताती हूँ देखो नेक्स्ट है पत्र या छा कारण पाठले है तसा असे नेमके शब्दात मांडावा मेन जी किस रीजन से आप पत्र लिख रहे हो वो लिखना आपको जरूरी है पत्रात पाला फाट सॉरी फापट पसारा नसावा भाषा आदरयुक्त रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज हमें यूज करना है पत्र में ठीक है सलगी ची नसावी शेवटी पत्र लेखकाचा पत्ता लिहावा आ, और न, आ, उसका फॉर्मेट मैं आपको बाद में बताती हूं अभी देखो औपचारिक पत्र में जिला पत्र ती व्यक्ति जैसे अधिकारी है शिक्षक है प्रिंसिपल जैसे मुख्यापक रहेगा सन्मानीय व्यक्ति रहेगी उसको हम आ, लिखते हैं ठीक है औपचारिक मतलब फॉर्मल ऑफिशियल लेटर उसमें हम मायना मायना मतलब जो शुरुआत में स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको रिस्पेक्ट देके हम लोग इंग्लिश में जैसे आ, बोलते हैं वैसे मराठी में माननीय माननीय महाशय महोदय ये कुछ वर्ड्स आपको याद करके रखना है और वही वर्ड आपको यूज करना है ओके तो माननीय महोदय यूज कर सकते हो यहाँ पे माननीय महाशय लिखा है वो यूज कर सकते हो ठीक है उसके बाद जो लास्ट में आप लिखने वाले वो आपला विश्वासु आप कृपाभिशाली अभी यहाँ पे लिखा है तो कृपाभिशाली ये वर्ड आपको याद नहीं आएगा तो डायरेक्ट आप अपला विश्वासु ये वर्ड याद कर सकते हो और वो लिख सकते हो लास्ट में ओके okay? अभी औपचारिक पत्र लिता ना बाय दक्षता अभी औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर है उसको हम आ, जैसे फ्रेंड्स को लिखते है वैसे हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है ठीक है तो इसमें कौन से पॉइंट है जो लेटर वे ये हमें पूरा लेफ्ट साइड में से ही लिखना है राइट right साइड में कुछ भी नहीं लिखना है याद रखो तो यहाँ ये जो पत्र है तो लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होता है लेफ्ट में ही खत्म होना चाहिए अभी देखो पहला जो है स्टार्टिंग में आपको लेफ्ट साइड दाव्या को प्रत दिनांक लिया। मतलब लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है डेट लिखना है उसके बाद सेकेंड प्रेषक व प्रति नावे दिल्ली असल तीस लिहावीत अन्यता ब क किवा तत्सम अक्षरे लिहावीत सही करू नए प्रेषक और प्रति अगर आपको क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर नाम दिया है किसी का कि किसको लिखना है लेटर कौन लिख रहा है लेटर अगर नाम दिया है तो आपको लिखना है नहीं दिया है तो आपको आपका खुद का नाम या किसी फ्रेंड का नाम नहीं यूज करना है आपको यहाँ पे अ ब क जैसे हम इंग्लिश में एक्स वाई जेड या बी सी यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पे यूज करना है ओके और सिग्नेचर नहीं करना है याद रखो थर्ड पॉइंट है अपना प्रेषक व प्रति पत्ते जर प्रश्न पत्रिकेल तो लिहावे पत्ते ते, ते, ते काल्पनिक लिहावे अभी जग, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में अगर आपको दिया होगा एड्रेस uh, तो आप लिख सकते हो नहीं तो आपको क्या करना है काल्पनिक लिखना है काल्पनिक मतलब इमेजिन करके लिखना है सचमुच का आपका खुद का एड्रेस नहीं लिखना है ओके नेक्स्ट पॉइंट है महोदय कि स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है तो ऐसे रिस्प, रिस्प, बोलते में आपको महोदया महो ऐसे लिखना है ठीक है माननीय ये वर्ड पूरा नहीं लिखा तो भी चलेगा माँ करके डॉट करके भी आप लिख सकते हो ओके उसके बाद आपको स्वल्प विरा मतलब कॉमा देके आपको लिखना है नेक्स्ट आएगा मजकुरा सुरुआत कराने अपला विश्वासू अपना कृभाभिशाली अपना विश्वासू नहीं तो आपको अपना कृपाभिशाली ये वर्ड यूज कर सकते हो जो आपको इजी पट्टा है वो पर वो ये वर्ड कॉमन जो वर्ड है वो आपको याद रखना है जैसे मैंने बोला प्रति है माननीय महोदय है वर्ड फिर आपका विश्वास ऐसे कुछ कॉमन वर्ड है वो आपको याद करना है ठीक है खाली आवश्यकते नुसार अ ब क कि पत्ता लिहावा नंतर लेख लेखक आचे स्वतःल ईमेल डी लिहावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है पत्र होने के बाद लास्ट में एंड में आपको खुद का ईमेल आईडी लिखना है अभी खुद का मतलब सचमुच आपका नहीं तो आपको ये ईमेल आईडी बना के रखना है जैसे आप डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वन टू थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ऐसे कुछ बना के आपको रखना है और वैसे आप लिख सकते हो पत्र लेखन में ठीक है अभी ये देखो ये जो है ये फॉर्मेट है औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर हम जो लिखने वाले है उसका औपचारिक आरा खेड़ा देखो या आपको जैसे मैंने बोला आपको ईमेल की तरह आपको पत्र लिखना है तो इस तरह से आपको लिखना है यहाँ पे आप फॉर्मेट आपको ये याद रखना है कि सभी आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड से ही आपको स्टार्ट करना है जैसे कि देखो यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है आपको क्या करना है यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है दिनांक का लिखना है डेट लिखना है डावे बाजूला डावे बाजू मतलब लेफ्ट साइड पूरा आपको लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करना है यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन में आप डेट लिखोगे उसके बाद ये जो मैंने बोला ये कॉमन है ये जो प्रति माननीय ये कॉमन है या आपको डेट होने के बाद आपको यहाँ पे मायना मायना मतलब यहाँ से शुरुआत होगी तो प्रति लिखने के बाद आप नीचे के लाइन में प्रति लिख के कॉमा करके नीचे के लाइन में आएगा माननीय महोदय माननीय महोदया वो आप लिख सकते हो ठीक है उसके बाद नीचे जो एड्रेस रहेगा वो लिखो नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट लाइन में आएगा पत्रा सा विषय अब ये जो विषय है यहाँ पे विषय आपको लिखना है विषय ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए विषय एक ही लाइन में शॉर्ट में रहना चाहिए ज्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए याद रखो ठीक है तो ये क्योंकि ये फॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है क्यों लिख रहे हो क्या किसके लिए लिख रहे हो जैसे मांगनी पत्र है किसी को चीजों के बारे में डिमांड करना है या रिक्वेस्ट करना है विनती करना है या इंक्वायरी करना है या तकरार करनी है कंप्लेन करना है तो वो पत्र लेखन का यहाँ पे विषय आ जाएगा ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे महोदय ठीक है महोदय यहाँ पे आपको ये वर्ड जो कॉमन है वो याद रखने ठीक है तो महोदय होने के बाद नेक्स्ट लाइन से आपको पैराग्राफ नहीं बनाना है याद रखो पत्र लेखन आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना है जैसे कि यहाँ पे बताया है तो यहाँ पे ऐसे आपको पत्र लेखन स्टार्ट करना है ज्यादा से ज्यादा आपको आ, दो पैराग्राफ में जो मेन लेटर का बॉडी है वो ओनली टू पैराग्राफ में आपको कंप्लीट करना है ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है जो मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड ही आपको लिखना है ओके उसके बाद यहाँ पे पत्रा शेवर्ड यहाँ पे आएगा जैसे मैंने बताया यहाँ पे क्या लिखोगे आप तो आपला विश्वास या आपली विश्वासु ऐसे लिखना है फिर यहाँ पे नाम दिया रहेगा तो यहाँ पे नाम आएगा नहीं तो आप लिखोगे अब अब एड्रेस लिखना है एड्रेस के बाद लास्ट जो जैसे मैंने बताया कि ईमेल आईडी आपको बनाना है ओके तो ईमेल आईडी बना के आपको ये यह यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये फॉर्मेट आपको अगर अच्छी तरह याद आया मतलब समझ के लिए अच्छी तरह समझा तो ही आप फॉर्मल लेटर लिख सकते ओके स्टूडेंट्स okay, तो ये हो गया औपचारिक पत्र लेखन का फॉर्मेट अभी हम देखेंगे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ उसमें से फिर हम दोनों पत्र देखेंगे कि कैसे लिखना है देखो क्वेश्चन ऐसे आपको पत्र लेखन में क्वेश्चन पेपर में आ सकता है जैसे देखो झाड़े लावा झाड़े झगवा हिरवाई ट्रस्ट तलेगा दाभाड़े पर्यावरण जागतिक्त रोपांचे मोफत संपर्क हिरवाई ट्रस्ट मार्ग दाभाडे दिनांक पांच जून ये आपको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप अगर रीड नहीं करोगे तो आपको नहीं समझेगा आपको किसको और क्यों लिखना है लेटर ओके बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन रीड नहीं करते हैं ओके okay. तो वो सिर्फ नीचे का क्वेश्चन रीड करते हैं और पत्र लिखते हैं तो ऐसे नहीं करना है आपको मेन क्वेश्चन जो दिया है आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ही रहता है फॉर्मल लेटर का आप जो लिखने वाले हो उसमें से आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में रहता है इसके लिए वो क्वेश्चन अच्छे से प्रॉपरली रीड करो ठीक है उसके बाद नीचे देखो विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्या ने आपको दो टाइप के पत्र दिए जाएंगे उसमें से आपको एक पत्र लिखना है जो आपको अच्छे से आता है वो लिखना है नहीं तो आपको एक आधा आया और दूसरा आप आधा लिखोगे तो ऐसे नहीं करना है एक ही जो प्रॉपरली आप लिख सकते वो आपको लिखना है अभी फर्स्ट जो है फर्स्ट बॉक्स में आप देखो शाड़े वृक्षारोपण करने रोपांची मागनी करना पत्र मतलब स्कूल में वृक्षारोपण होने वाला है पौधे लगाते हैं ना तो वो होने वाला है तो उसके लिए छोटे छोटे पौधों का मागनी मागनी मतलब क्या डिमांड करना रा? करना रे पत्र मतलब डिमांड करना है आपको अभी किससे डिमांड करोगे क्वेश्चन में ऊपर क्या दिया है तो हिरवाई ट्रस्ट जो है तो वो जो है वो फिफ्थ जून को क्या करने वाली है जागतिक पर्यावरण दिन रहता है ओके तो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे रहता है उस दिन तो उस दिन वो लोग क्या करने वाले छोटे छोटे पौधों का फ्री में वाटर मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले ही तो उनको आपको उनसे आपको डिमांड करना है कि हमारे स्कूल को भी वृक्ष करने के लिए क्या चाहिए तो छोटे पौधों की जरूरत है तो ये ऐसे मागनी पत्र आपको लिखना है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो ही आप लेटर लिख सकते हो ठीक है उसके बाद आपको सेकेंड भी ऑप्शन है सेकेंड में लिखा है या उपक्रमा बाबत हिरवाई ट्रस्ट अभिनंदन करना पत्र लिहावे आपको यही जो उपक्रम मतलब जो उन्होंने ऑर्गेनाइज और्गनाज़ किया है किसका तो जो छोटे छोटे पौधे वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले फ्री में तो उनको आपको अभिनंदन करना है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना है कि उनका प्रोग्राम जो था बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था अच्छा वेल प्लान था बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उनको तो वो बोल के उनको अभिनंदन करके आपको पत्र लिखना है अभी यहाँ पे दोनों जो पत्र है औपचारिक पत्र है फॉर्मल लेटर है दोनों पत्र फॉर्मल लेटर है इनफॉर्मल पत्र नहीं है क्योंकि हमने आज सिर्फ फॉर्मल लेटर देखा है औपचारिक पत्र ओके अभी हम देखेंगे कि दोनों पत्र कैसे लिखते हैं ओके देखो अभी ये पहला हम देखेंगे मागनी पत्र अभी मागनी पत्र में क्या है देखो दिनांक एक जून जैसे मैंने बताया था आपको कि दिनांक फर्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है डेट लिखना है दिनांक एक जून जो भी आगे साल रहेगा वो वैसे लिखना है एक जून क्यों लिखा है क्योंकि अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया था आपको पांच जून को वो प्रोग्राम होने वाला है तो ये सोच के देख के समझ के आपको डेट लिखना है याद रखो ठीक है क्योंकि अभी पांच जून को जो प्रोग्राम है तो इसके लिए दो तीन दिन पहले आपको लेटर लिखना पड़ेगा तो इसके लिए यहाँ पे लेटर में डेट डाला है फर्स्ट जून नेक्स्ट लाइन में आएगा प्रति माननीय संचालक हिरवाई ट्रस्ट बालोद्यान मार्ग दाभाड़ी देखो ये भी इंफॉर्मेशन आपको दिया है माननीय संचालक संचालक मतलब व्यवस्थापक जो मैनेजर वगैरह रहेंगे ना उनको पत्र लिखना है तो ये आपको समझना है कि आप किसको लेटर लिखोगे अभी ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के मैनेजर रहेंगे उसको ही पत्र तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए कि माननीय संचालक नहीं तो माननीय व्यवस्थापक ऐसे भी लिख सकते हो तो ये वर्ड याद रखो हिरवाई ट्रस्ट बालोद्यान मार्ग ये एड्रेस आपको दिया है क्वेश्चन में वही एड्रेस लिखना है दूसरा तो वही लिखना है, में आएगा, सब्जेक, सब्जेक क्या है? तो वृक्षारोपण रोपांच मागनी करने बाबत वृक्षारोपण जो करने वाले उसके लिए रोपो पौधों पौधो की क्या करनी है डिमांड करनी है तो यहाँ पे ऐसे देखो शॉर्ट में सब्जेक्ट लिखना है रोपांची मागणी करण्याबाबत बस जादा बडा सब्जेक्ट नाही चाहिए ओके नेक्स्ट लाईन मे आयगा माननीय महोदय आपको ये की कॉमन वर्ड है ये याद रखो माननीय महोदय कॉमा नेक्स्ट लाइन में अभी लेटर आएगा पाच जून हा जागतिक पर्यावरण दिन आमच्या शाळेत साजरा केला जाणार आहे या जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त आपण शाळांना रोपांची मोफत वाटप करणार आहात अपने ट्रस्ट से तसे अः जाहिरत के अः ही सा रोपे हवी है फर्स्ट पैराग्राफ में हमें इंट्रोड्यूस करना है कि क्या होने वाला है तो पांच जून को क्या तो जागतिक पर्यावरण दिन है और उस दिन स्कूल में ये लोग क्या करने वाले हैं सेलिब्रेट करने वाले और उस सेलिब्रेशन के वजह से उनको क्या करना है स्कूल में तो वृक्षारोपण करना है तो वृक्षरोपण के लिए हमें किसकी जरूरत है जैसे हमने सुना है कि आपने क्या जो हिवाई ट्रस्ट है उन्होंने फ्री में जो रो जो पौधे है वो बांटने वाले है तो हमें भी हमारे स्कूल को जरूरत है ऐसे लिखना है नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या आएगा तो रोपे घेना शाला प्रतिनिधिना ते लगे का कि आपन अपने संस्थे मार्फत रोपे शायाला पाटा पत्त्या व शायाच्या पत्त्यावर पाठवू शकाल या बाबत कळवण्यास सोयच होईल अभी जो पौधे है उनको लेने के लिए स्कूल के किसी रिप्रेजेंटेटिव को आना पड़ेगा या आप खुद आपके ट्रस्ट वाले लोग यहाँ पे हमें हमारे एड्रेस पे भेज दोगे तो ये हमें कंफर्म बताओ ओके तो ये ऐसे हमें आपको पूछना है ठीक है क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं ना पौधों का इसके लिए उसके बाद आपको मेंशन करना जरूरी है कि आप कौन सी डिमांड कर रहे हो अभी पौधों का डिमांड करना है पर कौन से टाइप के कितने सारे प्रकार के पौधे रहते हैं तो यहाँ पे आपको तीन चार लाइन में ऐसे छोटा सा टेबल बना के लिखना है कि कौन से आपको चाहिए रोपांच नावी यादि सोबत जोड़ता है यादि मतलब क्या है लिस्ट ओके <coughs> लिस्ट आपको लिखना है बनाना है और लिस्ट ऐसे प्रॉपरली टेबल बना के ही लिखना है और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कुछ पौधों के नाम अभी पौधों का डिमांड करना है ना इसके लिए जैसे यहाँ पे लिखा है देखो रोपांचे प्रकार विविध फूल झाड़े विविध औषधि रोपे अशोक नीलगिरी ये सब अगर आपको और कुछ पता रहेगा वो भी लिख सकते हो पर ज्यादा बड़ा लिस्ट नहीं करना है हमें शॉर्ट में ही फोर नहीं तो फाइव नहीं तो सिक्स ज्यादा मैक्सिमम सिक्स आप ऐड कर सकते हो ओके <coughs> सॉरी उसके बाद आएगा संख्या संख्या मतलब क्या कितनी क्वांटिटी में चाहिए जैसे यहाँ पे विविध फूल झाड़े कितनी चाहिए तो फिफ्टी पन्ना ओके विविध औषधि पौ रोपे पंचवीस अशोक पन, पन्नास नीलगिरी पन्नास तो ये सब पौधों के नाम है और वो कितने चाहिए कितनी क्वांटिटी चाहिए वो आपको मेंशन करना जरूरी है ओके okay, स्टूडेंट्स तो ऐसे प्रॉपरली आप अगर टेबल करोगे तो ही सामने वाला जो है उसको आइडिया आएगी कि, कि कितने पौधे चाहिए कौन से पौधे चाहिए इसके लिए प्रॉपरली देना जरूरी है नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है अपला कृपाभिशाली जैसे आपको ये वर्ड अगर हार्ड लग रहा है अपला कृपाभिशाली तो कृपाभिशाली के वर्ड के जगह आप आपला ये वर्ड लिख सकते हो ओके नेक्स्ट आएगा होके अब क्यों आएगा क्योंकि वहां पे किसी का नाम नहीं दिया है वहां पे क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा है कि विद्यार्थी प्रतिनिधि या नाता ने ठीक है तो यहाँ पे नाम नहीं दिया है तो आपको अब क ही लिखना है उसके बाद नीचे आएगा विद्यार्थी प्रतिनिधि ज्ञानदीप विद्यालय तड़ेगा दाभाड़े अभी ज्ञानदीप विद्यालय वो आप अपने मन से लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन क्यों क्यों में स्कूल का नाम नहीं है स्कूल है तो स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा और तड़ेगा की क्यों आएगा क्योंकि उसी एरिया में है उसी वहां पे ही है किसी दूर का स्कूल नहीं है ठीक है और उसके बाद लास्ट में जैसे मैंने बोला कि आपको ईमेल आईडी लिखना है तो एबीसी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ऐसे लिख सकते हो आप एबीसी एट द रेट याहू डॉट कॉम ऐसे लिख सकते हो तो ईमेल लिखना जरूरी है ये याद रखो तो ही आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है देखो अभी कितना शॉर्ट है और मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में से ही मिलती है तो वही आपको यूज करके लिखना है ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है तो ये ऐसे हो गया अपना मागनी पत्र ठीक है उसके बाद हम देखेंगे मांगनी पत्र के बाद अभिनंदन पत्र है अभिनंदन पत्र जैसे मैंने बताया आपको कि आपको उस ट्रस्ट को अभिनंदन करना है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना है कि उन्होंने जो उपक्रम उन्होंने जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था वो कितने अच्छे से हुआ कितना अच्छा वेल प्लान था कितना अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वो आपको बोलना है ठीक है तो इसमें आपको सेम फॉर्मेट है आपको कुछ चेंज नहीं करना है पर इतना याद रखो कि मागनी पत्र में आपको टेबल बनाना जरूरी है मागनी पत्र में आपको लिस्ट बताना जरूरी है आप कौन सी चीजों की मांगनी डिमांड कर रहे हो वो लिखना जरूरी है ठीक है अभी यहाँ पे अभिनंदन करें तो यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है अभी देखो फर्स्ट लाइन में आप लिखोगे दिनांक अभी यहाँ पे सहा जून यहाँ पे सिक्स जून क्यों लिखा है क्वेश्चन में क्वेश्चन में आपको फिफ्थ जून दिया है क्योंकि ये प्रोग्राम होने के बाद आप उनका अभिनंदन करोगे प्रोग्राम से पहले अभिनंदन नहीं करना है इसके लिए प्रोग्राम होने के बाद अभिनंदन करोगे तो वो डेट भी आपको वैसे सोच के लिखना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट है प्रति माननीय संचालक हिरवाई ट्रस्ट बालोद्यान मार्ग दाभाड़ी विषय चांगलिया उपक्रमा बदल हिरवाई ट्रस्ट से अभिनंदन करने बाबत देखो सब्जेक्ट क्या आएगा तो हमें जो चांगला बहुत अच्छा उपक्रम किया था उन्होंने हिरवाई ट्रस्ट ने तो उनका अभिनंदन करने बाबत ठीक है माननीय महोदय स वी, वी। साष्टांग नमस्कार बोलते ना हम लोग और अविनंती विशेष दरवर्षी आम्ही शाळेत पाच जून हा दिवस जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा करतो पर्यावरण संवर्धन करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे या उपक्रमामुळे लोकांमध्ये जागृती निर्माण होते यावर्षी हिरवाई ट्रस्टच्या वतीने या, वती या दिनानिमित्त रोपांचे मोफत वाटप करण्यात आले झाडे लावा झाडे जगवा हे घोषवाक्य सर्वत्र झळकत होते आपण शाळा महाविद्यालयांना तसेच सामाजिक संस्थांना रोपांचे वाटप केले आपण हे काम तळीमळीने करीत आहात यासाठी आपले खूप अभिनंदन सर्व रोपांमध्ये विविधता होती वाटपांचे नियोजन उत्तम होते महाईती महाईती सुबोध व खूब उपयुक्त तो होती या वे गया मनपूर्वक अभिनंदन व सदिच्छा तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है कि आपने जो प्रोग्राम किया बहुत अच्छा प्रोग्राम किया बहुत अपना जो घोष वाक्य था झाड़े लावा झाड़े जगवा देखो क्वेश्चन में लिखा है तो वो भी बहुत अच्छा था इंस्पायरिंग था और शाला विद्यालय महाविद्यालय जो आपने फ्री में फ्री में पौधे दिए वो बहुत अच्छा काम आपने किया तो वैसे आपको उनको अभिनंदन करना है जैसे मैंने बोला कि वेल प्लान मतलब क्या वाटर पंचन नियोजन बहुत अच्छे से किया था और उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन भी दिया था हर एक पौधों का बहुत अलग अलग टाइप के पौधे थे वहाँ पे तो उनका इंफॉर्मेशन भी उन्होंने बहुत अच्छा दिया था तो ऐसे आपको उनको क्या करना है अभिनंदन करना है लास्ट में आएगा प्रतिनिधि दाभाड़े और एन में आपको ईमेल आईडी लिखना जरूरी है ठीक है तो ईमेल आईडी लिखोगे ऐसे तो आपको क्या लेटर कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से आपको औपचारिक फॉर्मल लेटर लिखना है ओके okay, स्टूडेंट्स <coughs> तो इस, आ, आप दोनों लेटर अच्छे से समझ गए हो गया, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो लिख के प्रैक्टिस करो तो ही आपका प्रैक्टिस होगा अच्छे से ओके थैंक यू